अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। सो आज का पहला मेरा वीलॉग है जो कि उर्दू में है, क्योंकि मैं सारे अपने उर्दू बोलने वालों के लिए ये वीडियो बना रही हूँ। तो जनाब, मैं रहती हूँ गोंगसी प्रोविंस जो है वो एक ऑटोनॉमस रीजन है, और मेरे ख़्याल में नानिंग जिस सिटी में मैं रहती हूँ वो एक ऑटोनॉमस रीजन है। और मैं यहाँ पर सबसे पहली बार रह तो मैं काफ़ी अरसे से रही हूँ, तकरीबन मुझे एक साल होने वाला है, लेकिन आज मैं पहली बार इस जगह को एक्सप्लोर करने आई हूँ। ये मेरे घर से बहुत करीब है, तो ये कहलाता है नानू लेक। मैंने इसके बारे में बहुत कुछ सुना था, और यहाँ पर मैंने गुज़रते हुए अक्सर देखा है कि लोग यहाँ पर वॉक करने आते हैं, और सुबह में आते हैं, जॉगिंग करने आते हैं, बहुत कुछ है यहाँ पर। और देखते ही मुझे एहसास हुआ कि मैंने अब तक एक्सप्लोर क्यों नहीं किया था। बहुत खूबसूरत है। तो नानिंग एक ऑटोनॉमस रीजन है, और नानिंग बहुत मशहूर है अपनी ग्रीन सिटी होने की वजह से। नानिंग को ग्रीन सिटी कहते हैं क्योंकि नानिंग को बनाया ही इस तरह से गया है। अगर मैं आपको ये वीडियो इस वक्त ही दूं तो मुझे नहीं पता इस दरख्त को क्या कहते हैं, क्योंकि इंटर में बॉटनी से मुझे बहुत चिढ़ थी। कुछ ये उसी टाइप का दरख्त है जिस तरह के सनोबर के दरख्त होते हैं, लेकिन बहरहाल यहाँ पर बहुत सारे दरख्त हैं, बहुत ग्रीनरी है, और नानिंग ग्रीन सिटी के नाम से मशहूर है। इसको न्यूली डेवलप्ड है, आज से तकरीबन 10-12 साल पहले। ये बहुत छोटी सिटी थी, बहुत अंडर डेवलप्ड थी, और लेकिन कुछ अरसे में इसको डेवलप किया गया है। यहाँ की जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो बहुत काम कर रही है इस सिटी पे, इसके अलावा और दूसरी सिटीज़ पे। इस प्रोविंस की सबसे मशहूर सिटी गुइलिन है, और लेकिन नानिंग एक ऐसा रीजन है कि जब तक वो मैंने एक्सप्लोर नहीं किया था, हम यहाँ आए नहीं थे, तो हमें नहीं पता था कि ये सिटी कैसी है। और बल्कि यहाँ के रहने वाले चाइनीज़ जो लोकल्स हैं वो भी बहुत परेशान हो जाते थे, वो समझते थे कि शायद हम नानजिंग की बात कर रहे हैं। तो बहरहाल Finally, we come to know that. Okay, so people are staring at me that I may be making a vlog. Let's see. जब आप कोई वीडियो शूट कर रहे होते हैं और साथ साथ बोल रहे होते हैं तो आपको लोगों को काफ़ी परेशानी होती है, ये हर जगह होता है, लेकिन यहाँ पर लोग परवाह नहीं करते, यहाँ पर लोग खुद बहुत शौकीन हैं। तो बहरहाल ये सिटी ग्रीन सिटी कहलाती है क्योंकि यहाँ पर ग्रीनरी बहुत है, और इन लोगों ने बहुत प्लांटेशन की हुई है, और यहाँ का वेदर भी बहुत अच्छा रहता है। बारिशें यहाँ पर हद से ज़्यादा होती हैं, हद से ज़्यादा बारिश है, हर दूसरे दिन बारिश। सुबह धूप होगी, दोपहर में बारिश शुरू हो जाएगी, और नहीं तो शाम में, नहीं तो रात में। और बारिशें इज़ लाइक अ नॉर्मल रूटीन, आपको बारिशों से परेशानी नहीं होती यहाँ पर। और मेरे ख़्याल में पाकिस्तान के अलावा बारिशों से शायद किसी को भी कहीं भी परेशानी नहीं होती हो। तो बहरहाल पाकिस्तान में बहुत परेशानी की बात है। जब पाकिस्तान में मुझे पता चलता है कि कराची में बारिश हो रही है और होने वाली है, ये प्रेडिक्शंस होती हैं फोरकास्ट की,
तो हम लोग बहुत दुआएं मांगते हैं कि किसी तरह से ये बारिश टल जाए या अल्लाह मियाँ इसको मुसीबत से बचा ले, क्योंकि सिर्फ ये पाकिस्तान में और स्पेशली कराची में ही हो सकता है। एनीवेज लेट्स मूव ऑन। इजीली फाउंड आउट एक चीज़ जिसमें चाइनीज बहुत रेगुलर हैं वो है फिटनेस रूटीन। ऐसी बहुत सी चीज़ें आपको और लोग मेरे वीडियोस में आपको मिलेंगे जो भागते दौड़ते नज़र आएंगे। एनीवेज लुक अराउंड, ओह माय गॉड, क्यों 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 मैंने अब तक ये एक्सप्लोर नहीं किया था। हाउ खूबसूरत, तो इस वक्त शाम के 5 बज रहे हैं और मौसम है मिक्स और मैं आपको घुमाती हूँ इस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ। हम एंजॉय करते हैं, वाओ big city, it has everything, it has beauty, it has terrific weather, but it's still it is undiscovered. So a lot of people, they think that Nanning is like Nanjing, or maybe Nanning is not a city, but it is a city, it is indeed yet to be discovered and acclaimed. Back to the trip to Nanhu Lake. Still exploring, seeing some wonderful scenery around. Oh,
बहुत खूबसूरत है। इफ यू आर लिविंग इन वन ऑफ द सिटीज ऑफ चाइना, यू वुड फाउंड दैट दे हैव अ लॉट ऑफ पार्क्स अराउंड हियर इन देयर सिटीज। ये लोग बहुत बागात बनाते हैं और इनके पार्क्स बहुत हसीन होते हैं। और सबसे बड़ी बात जिस पे हम पाकिस्तानियों को हैरत होगी कि ये लोग, आपको कोई एक रैपर नज़र नहीं आएगा किसी भी जगह पर, कोई भी एक रैपर नज़र नहीं आएगा। ठीक है, कुछ गंदगी ये फर्श आप देख रहे हैं, लेकिन आपको कहीं भी कोई एक खाने वाली चीज़ का रैपर नहीं नज़र आएगा, जिसमें हम बहुत फेमस हैं माशाल्लाह से। और हम जो हैं वो हम हैं, क्योंकि हमारे नदियाँ, हमारे लेक्स, तो क्योंकि हम असल में ऐसी कौम हैं कि हम ख़ुद सफाई पसंद नहीं करते, तो हम अपनी हुकूमती इदारों को और दूसरों को इल्ज़ामात धरने से बाजी नहीं आते। हम कहते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, लेकिन दरअसल हम वो लोग हैं जो अगर हमें दे दिया जाए तो क्या हम लोग इस चीज़ को मेंटेन करेंगे, क्या हम सफाई करेंगे, क्या हमारे लोग इस चीज़ का ख्याल रखेंगे, क्या हमारे यहाँ फालतू लोग आकर लड़कियों को घूरना छोड़ेंगे। अगर यहाँ पर कोई लड़की टहल रही हो कराची में, इस तरह के पार्क में, इवन कराची में, किसी भी बड़े शहर में, तो क्या कोई उन लोगों से नज़रें हटाएगा? खैर, अब तो लड़कियाँ भी ढीठ हो चुकी हैं, अब उनको पता है कि ये तो वो नहीं है, अब क्या करें, निकल जाओ। बहरहाल, सो दिस इज़ वन ऑफ द ब्यूटीफुल पार्क, एंड आई मस्ट से कि काश मेरा शहर भी ऐसा हो सके, काश मेरा मुल्क भी ऐसा हो सके। अभी तो पार्क बहुत बड़ा है और शायद मुझे काफ़ी टाइम लगे यहाँ पर, तो टुडे मैं आज के दिन के लिए रैप अप करके वापस जाना चाहूँगी। लेकिन मैं एक बार जाते जाते मैसेज ज़रूर देना चाहूँगी कि लेट मी शो यू समथिंग एल्स टू। कैसा लगा मेरा वीलॉग? और मैं और भी जगह आपको देकर जाऊंगी, घुमाऊंगी और दिखाऊंगी, लेकिन हम कंपैरिजन नहीं करेंगे, क्योंकि एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि जो कुछ वहाँ है वो है और जो कुछ यहाँ है वो ये है। सही है, जब आपको चांस मिले और हालात सही हों, साजगार हों, तो ज़रूर आइएगा चाइना, क्योंकि चाइना इज़ बहुत खूबसूरत जगह है और जो लोग उसके बारे में सोचते हैं ऐसा कुछ नहीं है। चाइना इज़ वन ऑफ द सेफेस्ट प्लेस, महफूज जगह है, सिक्योर है और ख़ूबसूरत है। अच्छा टाइम गुजारिए, अपना ख्याल रखिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी।